जागती पिशाचिनी। शिवपुर गांव से थोड़ी दूर पर एक जंगल हुआ करता था। उस जंगल के पहले ही घने पेड़ों के बीच कुछ पिशाचिनियां वक्त गुजारती रहती थी। किचकिच नाम की पिशाचिनी वहां नई नई आई थी, उसे नींद ही नहीं आती थी। शेष पिशाचिनियां रात भर जागा करती थी और दिन में घोड़े बेचकर सो जाती थी। उसने अपना दुखड़ा किंकिणी पिशाचिनी को सुनाया। तब किंकिणी ने उसे सलाह दी, परेशान होने की कोई बात नहीं, सोने के लिए मेरे पास कई सुझाव हैं। फिर उसने एक सुझाव सुझाया। उसने कहा, किचकिच उल्टी लटक कर सोने की कोशिश करो, पर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। किचकिच उसके बताए अनेक उपायों को अमल में लाती रही। उसने पेड़ों के ऊपर आसमान में चक्कर लगाए, पेड़ों की डाली पर झूलती रही, शमशान घाटों पर जाकर जलते शवों का धुआं पीती रही, पर फिर भी उसे नींद नहीं आई। किंकिणी ने एक और सुझाव कहा, दुखी मत हो, शिवपुर में रंगाचारी नाम का एक बहुत बड़ा वेद है। मानव के रूप में जाओ और अपनी शिकायत उसे सुनाओ, पल भर में तुम्हारे रोग दूर हो जाएंगे। किचकिच किसान का वेश धारण करके वैद्य के पास गई। उसे देखते ही वैद्य ने कहा, तुम्हारा चेहरा एकदम फीका है, तुम्हारी बीमारी आखिर है क्या? किचकिच ने अपनी शिकायत सुनाई। उसने कहा, बहुत कोशिश करने पर भी मैं सो नहीं पाती, आंखों में बहुत दर्द होता है और चक्कर आते रहते हैं। वैद्य ने दवा देकर उसे भेज दिया, पर इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उसने किंकिणी को अपना दुखड़ा सुनाया। किंकिणी पिशाचिनी ने कहा, लगता है तुम्हारी बीमारी बहुत ही अजीब है और उपाय बताना मेरे बस की बात नहीं है। उसने कई अन्य पिशाचिनियों से अपना दुख बताया और उनकी सलाह मांगी, पर किसी का उपाय काम ना आया। किचकिच बहुत व्याकुल हो गई। जब वह अपने पेड़ के पास आई, तब उसने देखा कि अधेड़ उम्र का एक आदमी मस्त सो रहा है। उसका मन ईर्ष्या से जल उठा और उसने एक सीख उस पर फेंक दी। उस आदमी ने आंखें खोली तो देखा कि एक पिशाचिनी उसके सामने खड़ी है। वह चौंक कर उठ बैठा। वह एक क्षण भर के लिए डर गया, इसके बाद उसके हाव भाव को देखकर संभल गया और बड़े ही प्यार से कहा, ए दोस्त पिशाचिनी, मेरा नाम कन्हैया है, शिवपुर का निवासी हूँ। तुम बहुत ही दुखी लग रही हो, बताना तुम्हारे कष्टों की क्या वजह है, हो सके तो मैं दूर करूँगा। किचकिच को लगा कि इस आदमी में उसके कष्टों को दूर करने की शक्ति है। तब उसने अपना कष्ट बताया। कन्हैया ने कहा, कुछ दिनों पहले मैं भी इसी प्रकार के कष्ट से गुजरा। इस कष्ट से छुटकारा पाने के लिए मैं बहुत समय तक घूमता फिरता रहा, कितने ही वैद्यों को अपना कष्ट बताया, उन्होंने जो भी दवाएं दी खाता रहा, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। किंतु अंत में एक सन्यासी के बताए उपाय ने कमाल कर दिखाया। किचकिच कहने लगी, कहो कहो, वह उपाय क्या है? आतुरता भरे स्वर में उसने पूछा। दिन भर में गाना गाता रहता था, रात में गहरी नींद आती थी, पर गांव वाले मेरा गाना सह नहीं सके और मुझे उस गांव से बाहर भेज दिया। आज रात को जोर जोर से तुम भी गाना गाना, फिर कल दिन भर मस्त सो सकती हो। मैं सच कहता हूँ, जब तक तुम्हारा कष्ट दूर नहीं होगा तब तक मैं यहीं रहूंगा, कन्हैया ने जोर देते हुए कहा। वैसा ही करूंगी जैसा तुमने कहा, किचकिच ने खुश होते हुए कहा। जैसे ही सूर्यास्त हुआ और अंधेरा छा गया, किचकिच जोर जोर से गाने लगी। वह गाना इतना कर्णकटु था कि कन्हैया से सहा नहीं गया।
उससे बचकर जाने का मार्ग उसे दिखाई नहीं पड़ा तो वह घबरा गया। उसे उन ग्रामीणों की याद आई जिन्होंने उसका गाना ना सहन कर सकने के कारण उसे गांव से निकाल दिया था। उसे लगा कि बदला लेने का यह अच्छा मौका है। फिर उसने किचकिच से कहा, तुम्हारा स्वर कितना मधुर है, अपने इस मधुर स्वर को शिवपुर के ग्रामीणों को सुनाना। पेड़ पत्तों को गाना सुनाने के बदले मनुष्यों को सुनाओगी तो फल दुगना होगा। दूसरे ही क्षण किचकिच हवा में उड़ती हुई शिवपुर पहुंची, अपना गला साफ करती हुई गाने लगी। उस आवाज को सुनकर ग्रामीणों को लगा कि कहीं बिजली गिरी है। वे तुरंत बाहर आए तो उन्होंने देखा कि एक पिशाचिनी हवा में उड़ती हुई गा रही है। भय के मारे वे घर के अंदर भागे और दरवाजा बंद कर लिया। रात भर किचकिच गाती रही और गांव भर में चक्कर काटती रही। सवेरे वह जंगल लौटी और मस्त सो गई। शाम को जब वह जागी तो पेड़ के ही नीचे बैठे कन्हैया के पास आई। उसने कहा, बहुत दिनों के बाद मैं खूब सोई, तुम्हारा ऋण चुका कर ही रहूंगी। ये कहकर वह गायब हो गई और क्षण भर में एक गठरी ले आई। गठरी को खोलकर कन्हैया ने देखा तो उसमें सोने की अशर्फियां, सोने के आभूषण भरे हुए थे। उसने वह गठरी ले ली और पिशाचिनी को प्रणाम करके वहां से निकल पड़ा। दिन भर किचकिच सोती रही, इसलिए क्योंकि रात भर उसने बड़े आनंद से समय बिताया था। फिर सवेरा होते ही वह निद्रा की गोद में चली गई। दूसरे दिन रात को उसे पता नहीं क्यों गाने की इच्छा नहीं हुई। पिशाचिनियों के साथ वह खेलती कूदती रही। पिशाचिनी के दिए धन को लेकर कन्हैया घर पहुंचा। उस क्षण से वह सो नहीं पाया। उसके मन में किसी व्याकुलता ने घर कर लिया। साथ ही लगातार दो रातों तक किचकिच के ना आने पर उसे ढूंढते हुए जंगल गया। उस समय पेड़ पर बैठ कर किचकिच उपासी ले रही थी। उसने उसे जगाया और पूछा, दो रातों से तुम गाने गाने के लिए गांव में क्यों नहीं आई? आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब मेरी समझ में आ गया है कि नींद मुझसे क्यों दूर भागती रही। मैं आज तक अपने पेड़ के कोठर में जो धन था उसकी रखवाली करती रही। दुर्घटना के कारण मेरी आकस्मिक मृत्यु हुई और पिशाचिनी बन गई। अपना धन अपने साथ ले आई और उसे कोठर में छिपाकर उसकी रक्षा करती रही। जब तक पाप से भरी यह संपत्ति मेरे पास थी तब तक मैं सो नहीं पाई। तुम्हें इसे सौंपने के बाद आराम से सो रही हूँ। कहते हुए वह जोर की उपासी लेते हुए लेट गई। कन्हैया की समझ में अब आया कि उसकी अशांति और व्याकुलता का क्या कारण है। पिशाचिनी के दिए धन को उसने दान में दे दिया। अब वह दिन भर मेहनत करने लगा और रात भर निश्चित होकर चैन की नींद सोने लगा। ना देखो गाइस, अगर आपको हमारी ना स्टोरीज वीडियो आपको अच्छी लगती तो फिर आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि बहुत ना मोटिवेशन मिलता है। और ना गाइस, अगर आपको ऐसे आपको मजेदार मजेदार आपको स्टोरीज चाहिए तो इस वीडियो को आप लाइक करना मत भूलना।